भूमिका, कौन सी बार, कितनी बार जो है आप मेरे साथ यहाँ पे आ चुके, पहले तो ये बताओ। दिस दिस इज थर्ड टाइम आई थिंक. इज यस थर्ड टाइम। सो आई थिंक एक इंटरमीडिएट के बाद था। हाँ, एक इंटरमीडिएट के बाद था, एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे था. नाउ हाँ, सी अबाउट. नाउ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? यस. ओके, तो सबसे पहले कैसी रही है जर्नी, सीए वाली जर्नी कैसी रही ओवरऑल? ओवरऑल आई थिंक इट मेड मी वॉट आई एम राइट नाउ. सो कंसिस्टेंसी, जितना भी डिसिप्लिन, हैबिट बिल्डिंग, जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं, बेसिकली इट इज़ ऑल अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस एंड अ टेस्ट ऑफ योर कंसिस्टेंसी. सो दैट वे इट वॉज क्रेजी एंड डेफिनेटली देर वॉज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. तो जितना भी काम सीखने मिला एट अ वेरी यंग एज आई वुड से, सो बी इट बिग फोर बी इट इंडस्ट्रियल, काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस. इन टर्म्स ऑफ जितना पढ़ाई था वो तो ठीक है, बट काम करने में जितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला दैट वॉज वेरी एनरिचिंग इज वॉट आई वुड से. या कमिंग टू योर वर्क, अभी मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को एक बार आप बताओ, स्टार्टिंग से आपकी आपकी आर्टिकलशिप कहाँ हुई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी कहाँ पे हो? हाँ, तो आर्टिकलशिप मेरी थी डिलॉइट से. फॉर 2 ईयर्स आई वॉज देयर स्टैचुटरी ऑडिट में. देन आई शिफ्टेड टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू आदित्य बिरला ग्रुप. वहाँ पे आई वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट. उसके बाद वो 9 मंथ्स ट्रेनिंग था, देन देर वर थ्री मंथ का लीव, एंड देन सी ए फाइनल हैपेंड. आई क्लियर सी ए फाइनल, डिड नॉट गेट अ रैंक. आई गॉट अ रैंक इन IPCC, बट देन आई गॉट सेलेक्टेड इन BCG. एंड या सो आई एम ज्वाइनिंग इन जनवरी. तो अभी आई एम जस्ट इंजॉइंग लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अभी आई एम जस्ट गिविंग इंटरव्यूज अबाउट हाउ टू ज्वाइन बीसीजी, राइट? ओके, ग्रेट। सो बीसीजी, बीसीजी जो है मुझे लगता है कि एटलीस्ट सीएस का और इवन एमबीएस का भी एक ड्रीम जॉब होता है कि बीसीजी में जाने को मिलेगा, नहीं तो सी वाले स्टूडेंट सिर्फ वो बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में और खुश रहते हैं। तो आप उस बीसीजी में काम कर रहे हैं, तो क्या आज आज अगर एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट आपको देख रहा है, राइट, एंड ही और शी इज ड्रीमिंग कि मुझे बीसीजी में जाना है, तो किस तरह का उसको आज से माइंडसेट रखना चाहिए एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट को? ओके, सी आई विल टेल यू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है और जो भी होता है एग्जैक्टली हाउ इट हैपन्स. सो वंस यू क्लियर सी ए फाइनल, आपको जेनेरिक कोई भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे लोग, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे सारे वैकेंसीज आते हैं. BCG का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म होता है. ऑनेस्टली लास्ट टू लास्ट ईयर तक BCG ओनली यूज टू टेक रैंकर्स. अभी वो लोग नॉन रैंकर्स को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, विच इज़ ग्रेट. सो वहाँ पे यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू अपलोड योर रेज्यूमे. वो रेज्यूमे में दे हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट. तो फॉर्मेट बेसिक ही होता है, टैबुलर, योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड देन अदर इन्फॉर्मेशन. सो इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक, वेल राउंडेड रेज्यूमे. सो आई थिंक एनीबडी हु इज़ इन IPCC और इवन इन कॉलेज फॉर दैट मैटर, उनको बेसिकली ये फोकस करना चाहिए कि वो अपना रेज्यूमे होलिस्टिक कैसे बना सकते हैं. इफ़ आई टॉक इन नंबर्स, सो आई गॉट अ शॉर्ट लिस्ट बोथ फ्रॉम BCG एंड बेन. बेन स्पेसिफिकली जो मेल में उन लोग ने हमको बोला था, दे हैड 900 एप्लीकेशंस एंड दे सेलेक्टेड ओनली 40 कैंडिडेट्स. इतने सो रैंकर्स जो भी आप मिलाओगे आराम से 80-100 तो रैंकर्स ही होते हैं. सो इवन रैंकर्स आर नॉट सेलेक्टेड इन मेनी ऑफ दीज कंपनीज, ओनली बिकॉज इफ यू ओनली हैव अ रैंक एंड देन यू डोंट हैव को करिकुलर्स, तो वहाँ पे दे वोंट सेलेक्ट यू. सो बेसिकली बिकॉज इट्स अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रोफाइल विच इज़ अ वेरी जेनेरिक प्रोफाइल, तो दे वॉन्ट यू टू हैव एक्सपोजर टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज. बहुत सारे लोग स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, बहुत सारे लोग म्यूजिक में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, या फिर क्रिकेट, एनी स्पोर्ट, एनी राइटिंग, रीडिंग, जो भी कर रहे हो, बट होलिस्टिक होना चाहिए. इस पे मैं थोड़ा सा और ज्ञान प्रकाश लाना चाहूँगा कि होलिस्टिक रिज्यूमे को और अच्छे से अगर हम डिफाइन करें, तो आप अपने बारे में अगर थोड़ा सा बताएं कि आपका रिज्यूमे कैसे उनको होलिस्टिक लगा, उसके बारे में कुछ बता पाएं। हाँ, सो बेसिकली मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन में देर वॉज 10th 12th का डिसेंट नंबर, देन देर वॉज SRCC, देन देर वॉज CFA Level 1, Level 2 एंड IPCC का रैंक, एंड देन CA फाइनल फर्स्ट अटैम्प्ट. दिस वॉज माई एकेडमिक. नाउ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, सो देर इज़ दिस रूल, नॉट रूल बट इंडस्ट्री में ऐसा बोलते हैं कि आपके रेज्यूमे में 3 spikes होने चाहिए. बाई 3 spikes वॉट आई मीन इज आइदर इन अकेडमिक और इन प्रोफेशनल और इन एक्स्ट्रा करिकुलर, एक ऐसा चीज़ होना चाहिए विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स हु हैज अप्लाइड. सो 3 spike में अगर मेरा एजुकेशन में सपोज माई फर्स्ट अटैम्प्ट और माई रैंक, वो एक स्पाइक हो गया. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में इफ़ यू हैव अ बिग फोर नेम, और उसके बाद मेरे पास बिग फोर के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला टैग भी था, बट देन दैट डजेंट मैटर बिकॉज बिग फोर इट्सेल्फ इज अ स्पाइक. सो दिस इज अ सेकेंड स्पाइक. उसके बाद थर्ड स्पाइक में, बिकॉज मेरा को करिकुलर में डिसेंट
आई वुडंट से अ स्पाइक स्पाइक पर से, बट आई वॉज हैंडलिंग माई न्यूज़ लेटर, आई वॉज हैंडलिंग माई वेबसाइट, तो वो चीज़ मेरा को करिकुलर में आ गया. पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मेजरली आई हैड कॉलेज सोसाइटीज़ का पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई डिड थोड़ा रिसर्च, सॉरी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स ऑल्सो, और मैंने एक ICI का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था. सो दैट वॉज माई इंटरनेशनल एक्सपोजर और बाकी कॉलेज सोसाइटीज़. एंड देन एक्स्ट्रा करिकुलर में थोड़ा बहुत वेबसाइट, न्यूज़ लेटर, रीडिंग, लिंक्डइन, ये सब था. Right. So that was my resume. Yes. Right. So number one is कि CA first attempt में है या फिर rank है, तो वो एक important चीज़ है. Number two is आपकी articleship कहाँ से हुई है, वो बहुत important role play करता है. और industrial training है तो सोने पे सुहागा है. Number three, आपने बाकी सारी co-curricular activities में कैसे participate किया है, जैसे कि आपने बताया कि आप अपनी website में involved थे, newsletter वगैरह आप लोग आप निकालते थे, उन सारी चीज़ों के अंदर involved थे. तो इस तरह की चीज़ें एक CA student को भी चाहिए. मेरे mind में question आ रहा है, क्या एक डिस्टेंस लर्निंग वाला स्टूडेंट भी सपना देखे बेन का या BCG का, या वो कुछ और सोचे और उसके बाद आए यहाँ पे? सर मुझे अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टाइम पे लिंक्डइन नहीं था इतना एक्टिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप जो मेरे को मिला था EY से, दैट वाज बिकॉज ऑनेस्टली इट्स अ स्टोरी. सो EY हमारे कॉलेज से इंटर्नशिप हायर करता था. इन माई अटेम्प्ट ड्यूरिंग माई समर प्लेसमेंट, दे डिसाइडेड कि हम CAs को तो नहीं लेंगे क्योंकि वो तो आर्टिकलशिप करने आती है. सो दे डिड नॉट सेलेक्ट एनी CA. और वो टाइम मैं दिल्ली में नहीं थी, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि इंटर्नशिप करना क्या होता है. सो देन आई वेंट टू लिंक्डइन द फर्स्ट टाइम, दैट वॉज बैक इन 2018 समथिंग. सो वहाँ पे मैंने कोल्ड ईमेल किया, जो भी मैंने डाला HR EY, आई स्टार्टेड कोल्ड ईमेलिंग देम एंड देन आई गॉट अ सिलेक्शन एंड आई डिड माई इंटर्नशिप फॉर 2 months इन EY. सो आई थिंक फॉर अ कॉरेस्पॉन्डेंट स्टूडेंट्स ऑल्सो अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है. यू कैन वर्क विथ फाउंडर्स, यू कैन वर्क विथ एंटरप्रेन्योर्स, कुछ भी कर सकते हो बेसिकली. क्रिएटिव राइटिंग में बहुत कुछ कर सकते हो. द ओनली पॉइंट इज आर्टिकलशिप के साथ वो डिफिकल्ट हो जाता है. सो देन यू हैव टू थिंक स्मार्ट. सो अभी मुझे क्या लगता है कि सपोज मैं लिंक्डइन पे कॉन्टेंट डाल रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकती कि मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करती हूँ, बिकॉज देन इट्स नॉट अ रेज्यूमे थिंग. सो लिंक्डइन पे आई स्टार्टेड माय ओन इनिशिएटिव ब्रेकिंग बाउंड्स करके, वेर आई यूज्ड टू टेक सेशंस ऑन हाउ टू रीड ब्ला ब्ला ब्ला. तो वो मैंने उसको ऐसा बना के एंड देन आई पुट इट ऑन माई रेज्यूमे. सो टू थिंक स्मार्टली इज कि आप जो कर रहे हो आप उसमें थोड़ा उसको कैसे आउटस्टैंडिंग करके और अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो. दैट्स द स्मार्ट वे टू गो अबाउट इट. फॉर अ कॉरेस्पॉन्डेंट स्टूडेंट अगेन आई एम श्योर इट्स वेरी डिफिकल्ट. एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होते हैं. सो नंबर वन इज टू गो फॉर ICI नेशनल कॉन्फ्रेंसेज. ICI का विकासा इकासा कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगा. देर आर बिजनेस केस कॉम्पिटिशन विच आर ऑर्गेनाइज बाई IIM, बाई SRCC, बाई मैनी अदर कॉलेजेस, वो केस कॉम्पिटिशन कर सकते हो. कम्युनिटी सर्विस इज अ बेस्ट ऑप्शन टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल. वहाँ पे संडे पे देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन, देर आर टीच फॉर इंडिया, मेक अ डिफरेंस, गूंज. वहाँ पे संडे पे जाके बस बच्चों को पढ़ाना होता है 2 घंटा, विच इज़ इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो वो कर सकते हो. सो आई थिंक थोड़ा स्मार्टली अगर सोचेंगे तो बना सकते हैं रेज्यूमे. आई नो इन BCG मैनी पीपल हु आर नॉट फ्रॉम अ रेगुलर कॉलेज एंड येट दे गॉट सेलेक्टेड. ऑब्वियसली सबसे ईजी ऑप्शन है टू गेट अ रैंक. इफ़ यू गेट अ रैंक थोड़ा वहाँ पे लेवरेज मिलता है, बट देर आर ऑल्सो रैंकर्स जिनका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था. सो वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है. सो या देर लुकिंग फॉर अ कम्प्लीट पर्सन जिसके पास रैंक भी हो, जिसके पास यू नो और भी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, सिर्फ किताबों का एक्सपीरियंस ना हो, उसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे हो, राइट? एक बार भूमिका सबको मैं चाहता हूँ बताएं कि CA की जर्नी एक बार शॉर्ट में अपनी बताएं, ऑल्दो मैंने कई बार इसको कवर किया है, बट एक बार शॉर्ट में बताएं कि कहाँ से शुरू किया था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप अजमेर से हैं, राइट? हाँ जी, तो शुरू करते हैं अजमेर से. हाँ जी, क्लास ट्वेल्थ मेरा अच्छा परसेंटाइल आया, गॉट इन टू SRCC. ऑनेस्टली जब भी मैं कॉलेज, व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को अजमेर से बाहर जाना है और दिल्ली में जाना है, आई एम द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम माई फैमिली हु गॉट अ चांस टू गो आउटसाइड. मेरे फैमिली में कोई, मेरे सिर्फ एक मामा है जो CA है, बट देन वो गाय प्रिविलेज ऑनेस्टली हर जगह मिलता है, स्पेशली फॉर अ गर्ल फ्रॉम राजस्थान. आई कैन टेल यू इवन नाउ देयर इज पेट्रियार्की एवरीवेयर. तो वो प्रिविलेज नहीं मिलता है. सो देन टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, देन आई स्टार्टेड SRCC में. SRCC में 1.5 ईयर्स मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरे रेज्यूमे में भी ज़्यादा कुछ नहीं था बिकॉज आई वॉज टोटली फोकसिंग ऑन IPCC. सो IPCC में गॉट अ रैंक. रैंक डज गिव यू अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, दैट आई वोंट डिनाई. नंबर्स मैटर करते हैं, कितना भी हार्श ट्रूथ हो या ना हो, दे डू मैटर. सो वहाँ पर रिकॉग्निशन थोड़ा मिला. देन आई वॉज लाइक
SRCC या फिर इन एनी अदर रेगुलर कॉलेज आई वुड से वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन रहता है बिकॉज पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. और मेरे टाइम तक आते आते पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन सीए, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन एमबीए. सो एवरी अदर पर्सन आई नो मैनी पीपल जिन्होंने आईपीसीसी किया, रैंक लाया टॉप 10 रैंक, दे लेफ्ट सीए एंड दे डिड एमबीए. सो वहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन था. देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अदर थिंग्स. सो आई जॉइंड वन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो लोग सीए को हेल्प, सीए जो भी एस्पिरेंट्स थे उनको हेल्प करते थे. सो वहाँ पे मैंने काफ़ी काम किया. देन आई आफ्टर आई गॉट माय आर्टिकलशिप उसके बाद आई वाज लाइक नाउ आई विल ओनली डू थिंग्स जो मेरे को पसंद है. सो आई स्टार्टेड कुकिंग अ लॉट, आई लव कुकिंग. सो वहाँ पे आई बिल्ट माय इंस्टाग्राम. आई स्टार्टेड रीडिंग आफ्टर आई क्लियर्ड लाइक आफ्टर माई आर्टिकलशिप स्टार्टेड. सो रीडिंग स्टार्ट करते करते 6 महीना हो गया एंड आई वॉज डूइंग इट बिकॉज आई लाइक इट. सो 6 महीना हो गया एंड देन आई वॉज लाइक ठीक है अभी मैं पढ़ रही हूँ तो लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग इट ऑन लिंक्डइन ऑल्सो. सो फॉर 2 ईयर्स आई डिड जस्ट दैट. एवरी वीक आई यूज टू रीड अ बुक और मैं बुक रिव्यू डालती थी लिंक्डइन पर. सो आई डिड जस्ट दैट. उसके बाद आई गॉट डिसेंट फॉलोइंग ऑन लिंक्डइन. देन लीड स्टार्टेड कमिंग, आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज एक्सेट्रा. एंड देन आफ्टर अ लॉट ऑफ बुक रिव्यूज आई डिसाइडेड कि बिकॉज लिंक्डइन का ग्राफिक इंटरफेस इज नॉट वेयर यू कैन स्टोर एवरीथिंग. सो लोगों को बहुत पीछे पीछे जाना पड़ता है पोस्ट में. सो देन आई थॉट अ बेटर वे टू डू इट इज टू मेक अ वेबसाइट. सो आई डिजाइन माई ओन वेबसाइट. आई स्पेंड 5-6 डेज ऑन माई वेबसाइट, डिजाइन माई ओन थिंग और वहाँ पे मैं ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किया, बहुत सारे ये डाला, बुक रिव्यूज डाला. एंड देन आई स्टार्टेड अकेडमिक काउंसलिंग लास्ट ईयर व्हेन आई गॉट इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. सो आई थिंक नाउ आई हैव स्पोकन टू अराउंड 70-80 पीपल ऑन कॉल्स, लाइक 1-to-1 कॉल्स वेयर आई हैव गिवन देम एडवाइस, व्हिच वाज द लाइक द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैपेंड लास्ट ईयर. तो काफी मजा आया उसमें. इस इंटरव्यू के बाद वो 700-800 होने वाले, मतलब पीपल आर नॉट गोइंग टू लीव यू. हां या उसके बाद देन आई स्टार्टेड माई न्यूज़ लेटर अभी दिस जून. सो आई वॉज वर्किंग ऑन माई वेबसाइट. तो वेबसाइट पे ब्लॉग पे आता था न्यूज़ लेटर बट इट्स नॉट वेर इट गेट्स डिलीवर टू योर इनबॉक्स एवरी वीकेंड. तो अभी आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन सबस्टैक. आई हैव अराउंड 500 सब्सक्राइबर्स नाउ बट वो इज़ ओनली डेडिकेटेड टू रीडर्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि वेन इंटरनेट 2 केम इन इट वॉज अबाउट बिल्डिंग अ प्रोफेशनल नेटवर्क और नेटवर्किंग. नाउ इंटरनेट 3 और एनी इंटरनेट एज विल बी अबाउट community within communities. So even if you have a large following anywhere, you will have to have your niche. After a point, you can't be generic. तो मेरा अभी is majorly on reading. तो मैं सिर्फ books पढ़ती हूँ, बहुत सारे blogs पढ़ती हूँ, बहुत सारे podcasts सुनती हूँ and then I recommend people what they can probably read or listen to. उसके अलावा because I have थोड़ा time on my hand right now, 2 महीना, I am interning with a chef. Finally. Wow. So yeah, so I'm working on recipe building, cookbooks, etc. So बस ये अभी यही चल रहा है. क्या बात है. मुझे एक बात बताओ, पता है क्या है, जैसे आपने बताया कि मार्क्स डू मैटर, रैंक डू मैटर, ये बात सच है. और इसको सबसे पहले तो मैं अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि इसको दिल पे ना लें कि यार रैंक नहीं आया, या फिर रैंक वालों से जले ना कि इनका रैंक आया था. अब देखो भूमि का भी सी फाइनल में रैंक नहीं था, बट पॉइंट इज कि रैंक वालों को कहीं ना कहीं जो है एक असिस्टेंस बोल लो या एक सपोर्ट बोल लो या एक अपर हैंड बोल लो, वो जरूर मिलता है. एंड एक बात मैं पूछना चाहूंगा भूमि का, अभी अभी जो लोग देख रहे होंगे ना वो पता क्या सोच रहे होंगे, वाह अ गर्ल फ्रॉम अजमेर SRCC, देन उसके बाद बिग फोर, देन उसके बाद ABG, देन उसके बाद BCG, राइट, what a perfect life you have. But we all know life is not perfect. तो क्या क्या lowest points अगर आप share करना चाहोगे, क्या क्या lowest points आपके पास आए या क्या struggle आपके आपके life में आया जो actually लोगों को पता चले यार rank holders या फिर जो अच्छे कॉलेज में होते हैं उनकी लाइफ ऐसे नहीं कि एकदम स्मूथ चले जा रही है. सर ऑनेस्टली मेरा आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम ग्रोइंग अप व्हेन आई वॉज इन 10th to 12th स्टैंडर्ड. लाइक आई वॉज मेंटली आई वॉजंट इन अ वेरी गुड प्लेस टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. And after I moved to college, after my first year, to be very honest, I was in a better state mentally. And then I was like, I will do this exam. And that's how rank happened. Even for rank, even when I was in college, main barely 5-6 ghanta soti thi, barely. Because time hi nahi hota tha. I used to rush to college, miss my lunches, rush to classes, fir aake padhna, everything. And I studied on my own, all of it. CA final, IPCC, CFL level 1, CFL level 2. Maine sab khud padha. So उससे हिसाब से इट वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. मैं अभी मुझे जेन्युइनली व्हेन माय एग्जाम गॉट ओवर आई वाज लाइक पीपल हु आर स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स दे लीड अ लग्जूरियस लाइफ. मुझे पता ही नहीं था कि लग्जरी क्या होता है, बिना एक अलार्म के आप सो भी सकते हो, वॉजेंट माई लाइफ. सो आई वॉज प्रोग्रामिंग माई सेल्फ दैट वे. आई हैव बीन
मेकिंग माई टू डू लिस्ट सिंस फॉर एवर. वेन आई वॉज इन सेवन स्टैंडर्ड तब से लेके आज तक मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ. और पिछला महीना आई वॉज ट्रैवलिंग द होल मंथ. वो एक ही महीना है जिसमें मैंने आज तक टू डू लिस्ट नहीं बनाया, लाइक इन द पास्ट सिक्स ईयर्स. तो वो हिसाब से काफ़ी स्ट्रगल था. इवन आर्टिकलशिप वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बिकॉज मुझे ये था कि आर्टिकलशिप तो करना ही है बट साथ में आई वॉन्ट टू बिल्ड माई ओन थिंग्स. तो एक लाइफ होता है कि आप सुबह उठो, फिर आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन माई हेल्थ ऑल्सो, सो आई स्टार्टेड रनिंग. अभी पिछले दो साल में आई हैव रन अराउंड 600 किलोमीटर्स, सो आई टू रन एवरी डे. तो उस हिसाब से आई यूज टू वेक अप एट 4, आई यूज टू स्टडी फॉर एन आवर, फिर आधा घंटा मैं जो भी मेरे को बुक पढ़ना है वो पढ़ती थी. देन आई यूज टू गो फॉर अ रन, इवन इन विंटर्स एकदम ठंडी में भी आई यूज टू गो फॉर अ रन, कम बैक, मेक ब्रेकफास्ट, मेक लंच, गो टू ऑफिस, कम बैक, मेक डिनर. रात को 11 बजे मैं बर्तन साफ कर रही होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो दैट वॉज माई आर्टिकलशिप. फ्रेंकली अनफॉर्चुनेटली कोविड हैपेंड, बट फॉर्चुनेटली ऑल्सो बिकॉज देन आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू फोकस ऑन अदर थिंग्स. सो स्टार्टेड डूइंग योगा, आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. तो वहाँ पे इट हेल्प मी अ लॉट. बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगेन मेरे साथ थोड़ा आई वुड से आई हैव बीन लकी, क्योंकि मैंने एक एक इंटरव्यू दिया है तीनों चीज़ों के लिए. आर्टिकलशिप के लिए आई गॉट इन टू डिलॉइट फर्स्ट इंटरव्यू, गॉट इन टू आदित्य बिरला फर्स्ट इंटरव्यू, गॉट इन टू BCG फर्स्ट इंटरव्यू. तो वहाँ पे आई हैव बीन वेरी लकी. बट थोड़ा स्ट्रगल था ढूंढने के लिए, एंड स्पेशली अभी इन लोगों ने 1.5 ईयर कर दिया है, सो इट्स ईजियर फॉर. अभी आई गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. हमारे टाइम पे मेरे सीनियर्स मेरे को ऐसा बोलते थे कि इंडस्ट्रियल बिल्कुल मत करो, आपके अटेम्प्ट शिफ्ट हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर सीए फाइनल्स. ये सारा हाइप चलता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउट ऑफ द क्राउड एंड डू थिंग्स. वो रिस्क लेने में ही, स्पेशली इन सीए, क्योंकि इतना हाइप है कि ये सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट है, FR इतना लंबा चल रहा है, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट था. फ्रेंकली 3 ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट इन टू द सेम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोफाइल एज मी, सो आई हैड फ्रेंड्स अराउंड. तो हम लोग साथ में काफ़ी डिस्कस करते थे, काफ़ी पढ़ते थे. एंड देन सीए फाइनल अगेन आई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्चुअली आई शिफ्टेड टू मुंबई. शिफ्टिंग टू अ न्यू सिटी इन इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग, स्पेशली मुंबई. तो ट्रैवल में दो दो घंटा जाता था, सुबह 1.5 घंटा, आते हुए 2 घंटा. आई लेजिट वॉच्ड ऑल माई क्लासेज इन द बस, और रात में बस में लाइट भी नहीं होता था, सो आई यूज टू जस्ट वॉच स्क्रिबल जो भी नोट्स वो बोलते थे. तो वहाँ पे देखा, उसमें भी आई यूज टू कम बैक एट 9, टेक माई मेंटोरशिप वाला कॉल्स फ्रॉम 9 to 10. तो ये मेरा स्केड्यूल रहता था इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. उसके बाद सीए फाइनल हैपेंड. सीए फाइनल तो सबको पता है सीए फाइनल कैसे होता है, और उसमें भी ऑनेस्टली सबको ऐसा लगता है कि रैंकर्स के पास बहुत लेवरेज होता है. आई डिड नॉट गेट अ रैंक इन सीए फाइनल, सो आई कैन टोटली रिलेट टू पीपल हु डोंट गेट रैंक्स, एंड आई नो पीपल हु गेट रैंक्स ऑल्सो. तो वंस यू गेट अ रैंक इन IPCC, एवरीबडी इज लाइक सीए फाइनल में तो रैंक आएगा इसका, यू आर तो ग्रेट, और ये और. बट सीए फाइनल इज अ डिफरेंट बॉल गेम. मतलब इतना सिलेबस मैंने अपने लाइफ में नहीं पढ़ा है, इतना मेंटली इमोशनली चैलेंज मैंने कभी खुद को नहीं किया. सो 10-12 आवर्स स्ट्रेट स्टडिंग फॉर 3 मंथ्स. स्पेशली आई थिंक IPCC थोड़ा ईजी रहता है बिकॉज वो आप स्टूडेंट वाले जोन से आ रहे होते हो, सो स्टडिंग 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 CPT IPCC वो चल रहा होता है. देन इट्स अ 3 ईयर का ब्रेक, देन यू आर यू नो कि वीकेंड पे मजे करने होते हैं. सो जब वो मजे नहीं मिलते हैं देन इट गेट्स डिफिकल्ट. तो 3 महीना इट वॉज लेबरस. ऑनेस्टली आई हैव मेजर स्लीपिंग इशूज, सो मेरे को काफ़ी लाइक फॉर मंथ्स आई कुडंट स्लीप बिफोर माई सी ए फाइनल प्रेपरेशन स्टार्टेड. जनरली ऑल्सो आई हैव थोड़ा स्लीपिंग इशूज, इट्स गेटिंग बेटर नाउ, बट या सो इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट थ्रू दैट. सो काफ़ी कुछ था पर्सनली ऑल्सो, ऑल माई पर्सनल लेवल आई हैड माई ओन प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इट्स ऑल परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट, कुछ भी नहीं है ऐसा. एंड प्लस देर इज फैमिली वाला प्रेशर, देर इज रिलेटिव्स वाला प्रेशर, देर इज एवरी वन. सो समवन कॉमेंटेड ऑन माई लिंक्डइन, आई थिंक कुछ तो मैंने सी ए फाइनल का डाला था, एंड देन समवन कॉमेंटेड आई एम एक्सपेक्टिंग AIR 1 फ्रॉम यू. And I texted that person personally ki bro result nahi aaya and it will put me into anxiety, let's just not do that. So definitely it's very anxious, sabko same hi hai process, it's not difficult for any, like it's very very difficult for everyone. Yeah, abhi kam main ek question puchna chahta hu aapse ki one thing jo aapko lagta hai jo aapne you know, dekho ek baat to hume na sabko matlab main to accept karta hu aur aap bhi accept karo to bahut acha hai ki aap successful ho gaye ho, aap ek achi jagah pahunch gaye ho, aapka graph bahut acha chala hai. Matlab agar main ek average CA student ko dekhta hu aur aapko dekhta hu to usme ek difference nazar aata hai. To one thing that differentiates you from
दैट स्टूडेंट जो बहुत सारे अटेम्प्ट लगा रहा है, उसकी अच्छी जगह जॉब नहीं लग रही है, अच्छी जगह आर्टिकलशिप नहीं लग रही है, मैं ये नहीं मतलब ठीक है पढ़ाई करी, लेकिन पढ़ाई मतलब एक ना एक कई रूट कॉज है वो, तो रूट कॉज आपको क्या लगता है जिससे वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बना है? सर मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मेरे को प्रिविलेज ज़्यादा आफ्टर SRCC मेरे को प्रिविलेज मिला है लाइफ में, उससे पहले मेरे पास बिल्कुल प्रिविलेज नहीं था. सो द काइंड ऑफ सिटी और द काइंड ऑफ फैमिली दैट आई वॉज लिविंग इन, वहाँ पे इट इज़ वेरी डिफरेंट. एनी मेट्रो सिटी फ्रॉम दैट मैटर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम टीयर टू और टीयर थ्री सिटी इज अ जनरल पॉइंट. सो आई वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ दैट बैकग्राउंड एंड आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ. सो वो करते करते एंड ऑनेस्टली रैंक प्लेड अ मेजर रोल, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है मोटिवेशन कम्स फ्रॉम प्रेसिडेंस. सो वंस यू हैव डन एनी थिंग देन यू कैन प्रॉब्ली रेज योर सीलिंग. बाय रेजिंग और सीलिंग आई मीन कि आपने मैंने अगर 5 kilometers कर लिया है 32 minutes में, देन आई नो कि अभी मैं 30 पे जा सकती हूँ. तो वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा पुश लगता है एंड देन इट्स एन ईजियर जर्नी. सो दैट्स व्हाट आई थिंक कि रैंक प्लेड अ मेजर रोल इन माई जो भी ग्राफ था वो बाद में ऊपर गया इसके लिए. एंड देन आई थिंक कंपनी ऑल्सो मैटर्स डेफिनेटली. सो आई वॉजंट सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ सी एस, आई वॉज सराउंडेड बाय पीपल हु डूइंग फिलोसफी, पीपल हु डूइंग इकोनॉमिक्स. तो मेरे को ऐसा लगता था कि CA तो है बट और भी बहुत कुछ है करने के लिए, सो लेट्स गेट डन विद दिस एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स आल्सो. राइट. अच्छा मुझे मुझे जो लगता है भूमिका, जितना मैं आपसे मैंने बात करी है चाहे फॉर्मली चाहे इनफॉर्मली, मुझे ऐसा लगता है कि आप में और या जो भी लोग जिंदगी में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और जो लोग नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है किसी के साथ जेन्युइन चीज़ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रूड साउंड कर सकता हूँ या कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं, लेकिन बात यह है कि जो लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ पाते हैं ना, वो एक उनके अंदर ना एक जज्बा होता है कि भाई ये करना है और ख़त्म करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना है. राइट. एंड आई थिंक वो मुझे आपके अंदर भी दिखता है और कहीं ना कहीं मैं बाकी लोगों को देखता हूँ. मैं अभी मैसेजेस पढ़ रहा था, जैसे आप बोल रहे थे कि आप बच्चों को कंसल्ट करते थे कि कैसे उनकी पढ़ाई में कैसे वो आगे बढ़ सकते, तो मैं हमेशा उनसे कुछ ना कुछ बातचीत करते रहता हूँ. तो अभी मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था, मैं बल्कि ना पढ़ के बताता हूँ आपको, आपको सुन के कैसे लगेगा मैं जानना चाहूँगा आपका भी उसके ऊपर. और तभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था क्योंकि मेरे माइंड में अभी वही सवाल चल रहा था जो मुझसे वो पूछा गया. एंड दिस इज द क्वेश्चन. सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सो एंड सो एग्जाम्स, लेकिन जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ मन नहीं करता पढ़ने का, लैक ऑफ मोटिवेशन. और अब मुझे ये लगने लगा है कि ये जो एग्जाम्स आने वाले हैं इनमें ज़्यादा समय नहीं बचा है और मैं एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाऊँगा. प्लीज़ कुछ बताइए ताकि मैं इस पेपर में जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊँ. टाइम मैनेजमेंट बताइए कैसे करनी है और एटलीस्ट दिन में कितने बार स्टडी पढ़नी चाहिए अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाऊँ. एंड मेरे कुछ और स्किल्स भी हैं, एक्सेल या फिर कुछ टाइपिंग स्पीड्स जो हैं वो भी थोड़े से कम है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. जब मैं ये सवाल देखता हूँ तो मैं, आपको क्या लगता है ये सवाल सुन के भूमिका? सर मेरे को भी बहुत सेम क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और मुझे जेन्युइनली नहीं समझता कि मैं क्या बोलूँ उनको. मतलब बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक मोटिवेशन इज शिट इज वॉट आई हैव सेड बिफोर ऑल्सो, बिकॉज इट इज एन इनर फीलिंग दैट यू गेट. सो अनलेस मेरे को पता नहीं है कि वो बंदे का क्या बैकग्राउंड है, उसको क्या करना है लाइफ में, मैं नहीं बोल सकती उसको कुछ करने के लिए. बट देर इज वन थिंग दैट आई कैन से इज आई थिंक नाउ बिकॉज वी हैव इंटरनेट, पीपल वॉन्ट टेम्पलेट्स फॉर एवरीथिंग. सो जब भी लोग वीडियो डालते हैं कि 10 घंटा पढ़ना चाहिए, 12 घंटा पढ़ना चाहिए, देन एवरीबडी इज लाइक ओ मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ 10 घंटा, तो अभी मेरा क्या होगा. सो मेरे लिए आई थिंक वॉट प्लेड अ गुड रोल इज मैं यूट्यूब बहुत कम यूज़ करती हूँ, ऑनेस्टली बहुत ही कम. रिव्यूज़ तो मैंने देखा ही नहीं है लाइफ में. सो यू वर्किंग विथ फर्स्ट प्रिंसिपल्स इज बेसिकली अ फिलोसफी वेर यू वर्क विथ द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट यू हैव. इफ यू एज अ स्टूडेंट अगर आपको पता है कि कोई एग्जाम आपको क्लियर करना है, इवन इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, आपको पता है कि ICAI का स्टडी मटेरियल है, आपको पता है ICAI के मॉक पेपर है, RTPs है. नाउ स्कूल में तो पढ़ाई किया है ना, तो यू नो पढ़ाई कैसे करते हैं. नाउ ओनली बिकॉज पीपल आर डूइंग क्लासेस, पीपल आर डूइंग मॉक टेस्ट जहाँ पे वो खुद का कर रहे हैं कुछ, या फिर बहुत सारे टीचर्स है, विच इज़ फाइन, टेक असिस्टेंस डेफिनेटली. आई नीडेड असिस्टेंस फॉर टैक्स, आई टुक इट. बट देन आई थिंक सबको अपने हिसाब से जो ठीक लगता है वो करना चाहिए, रादर देन गोइंग टू एवरीवन एंड आस्किंग कि क्या करना चाहिए, ये सही है या ये गलत नहीं है. वैलिडेशन एक पॉइंट तक सही होता है, किसी भी ट्रस्टेड इंडिविजुअल से वैलिडेशन रहोगे इट्स गुड, बट इफ़ यू कीप ऑन डाउटिंग योर सेल्फ अगेन एंड अगेन कि ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मोटिवेशन ही नहीं है ये वो, देन यू आर जस्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग इन लाइफ. उस पॉइंट से आप सिर्फ सोच सकते हो पर एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो सकते हो, इज वॉट आई थिंक.
मतलब मैं और इस पे क्वेश्चंस पूछूंगा, और मैं जो आपसे पूछ रहा था ना, शायद उसका आंसर हमें ऐसे मिल रहा है कि आपके अंदर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या था. तो यू आर एक्शन ओरिएंटेड, बेसिकली यू टेक एक्शंस. अब अगला सवाल ये आएगा लोगों का, हाउ टू बिकम एक्शन ओरिएंटेड. तो इसमें क्या क्या कहना इसमें मेरे को अभी इसमें भी आई विल से पर्सनल ओपिनियन मैटर्स. मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने गोल्स को लिख देती हूँ कहीं पे, देन इट्स अ कॉन्स्टेंट ट्रिगर ऑन माई हेड कि ओ शिट ये नहीं किया, ओ शिट ये नहीं किया, ये टास्क करना था, ये वो करना था. सो आई हैव बीन अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ टू डू लिस्ट ऑफ प्लानिंग. आई हैव यूज्ड माई प्लानर टू प्लान एवरीथिंग. सो व्हाट आई रेकमेंड टू अ लॉट ऑफ पीपल इज ऑल्सो रिवर्स प्लानिंग. रिवर्स प्लानिंग इज बेसिकली अगर मेरा एग्जाम मे में है, देन आई विल कीप द लास्ट 15 डेज ऑफ माई एग्जाम फॉर माई थर्ड रिविजन, उसके पहले का एक महीना फॉर माई सेकेंड रिविजन. वो सेकेंड रिविजन के साथ आई विल डू माई मॉक्स, माई आर टी पीस, और उससे पहले आई विल कीप अराउंड 2-2.5 मंथ्स फॉर माई फर्स्ट रिविजन. दैट्स वॉट आई डू. अब मैंने ये प्लान बना लिया है, इसमें आई विल गो डीपर टू एवरी डे. एवरी डे पे मेरे को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने क्वेश्चन करना है, रिवाइज कब करना है, उसमें मैं जाऊँगी. एवरी डे में भी देन आई विल गो टू एवरी आवर. सो यू कैन डू कैलेंडर ब्लॉकिंग. उसमें बेसिकली आप अपने कैलेंडर पे जाके यू कैन ब्लॉक टास्क की एक घंटे में मेरे को क्या करना है. तो ये मैं सीए फाइनल में स्पेसिफिकली किया है. कैलेंडर ब्लॉकिंग में आई यूज टू ब्लॉक कि दो घंटे मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद आई विल टेक अ ब्रेक, देन आई विल यूज इंस्टाग्राम फॉर 15 मिनट्स. आई यूज टू ब्लॉक टाइम फॉर एवरीथिंग. इट साउंड्स वेरी रोबोटिक. इसके प्रोज है, प्रोज इज यू विल ऑब्वियसली कंप्लीट 80% ऑफ योर टास्क बिकॉज यू एग्जैक्टली नो वॉट टू डू. इसका कॉन ये है कि मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है. बिकॉज इफ यू आर डीलेइंग योर टास्क इवन बाई 30 मिनट्स, वो आपका पूरा टाइम टेबल हिल जाएगा. सो मेंटली यू हैव टू बी थोड़ा स्ट्रॉन्गर कि आप ये ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो. सो आई थिंक दैट वर्क फॉर मी. आई नो पीपल जो हु गो विद द फिलोसफी कि आई विल गो विद द फ्लो इज देयर फिलोसफी, कि मेरे को जो सही लगता है मैं उस टाइम पर ये करूँगी, विच इज़ फाइन एज लॉन्ग एज मेंटली यू आर अचीविंग योर टास्क. आई थिंक वट एवर वर्क फॉर यू इज ग्रेट. एक टू डू लिस्ट के साथ एक प्रॉब्लम जो जनरली लोग बाग हमें बताते हैं कि मैं भी बनाता हूँ टू डू लिस्ट, और मैं तो आजकल इतने आइडियाज़ फ्लो कर रहे होते हैं, मैं तो तुरंत एक इनबॉक्स बना रखा है, उसमें जो भी मन में आता है मैं टाइप कर देता हूँ. लेकिन स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि सर टू डू लिस्ट बनाई और फिर वो पूरी नहीं हुई, राइट. वी प्लान कि हम ऑडिट के 3 चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ तो हम एक ही पाए, फिर अगले दिन वो बनाने का मन नहीं करता. इस पर क्या थॉट्स हैं? सो देयर इज दिस वन थिंग, उसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ फ्लो. स्टेट ऑफ फ्लो बेसिकली ये होता है कि आपका जो भी आप टास्क कर रहे हो इज इंटरेस्टिंग इनफ एंड चैलेंजिंग इनफ. इसमें दो चीज़ हो सकती है. अगर वो टास्क चैलेंज बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ तो आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, मैं तो नहीं कर सकता. सो देयर हैज़ टू बी अ कॉन्स्टेंट लाइक अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन बोथ द थिंग्स. सो आई ऑल्सो थिंक वन मोर थिंग इज सी ए स्टूडेंट्स डोंट रिवॉर्ड देमसेल्स इनफ. सो इफ़ यू वेक अप विद द थॉट कि मेरे को पूरे दिन पढ़ाई करना है और आपकी लाइफ में उसके अलावा और कुछ बचा ही नहीं है, देन यू विल बी लाइक मेरे को नहीं पढ़ना, मैं टाइम पास करूँगा थोड़ा, उसके बाद देखता हूँ पढ़ना है तो पढ़ लूँगा. सो आई यूज फॉर मी रिवॉर्ड वॉज रीडिंग. सो आई यूज टू मेक श्योर कि 9 से 10 बजे रात को पूरा, अगर मैं 10 घंटा पढ़ रही हूँ तो 1 घंटा मेरे को जो मर्जी करेगा मैं वो करूँगी. तो वो रिवॉर्ड को पाने के लिए बेसिकली यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ट्रेन योर माइंड कि वर्क हार्ड बिकॉज यू नीड टू डू दैट इज वॉट आई डिड. बट वो टास्क को थोड़ा गेमिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज देयर. फॉर मी द मोटिवेशन वॉज आई जस्ट नीड टू गेट डन विद दिस. इतने साल लगा दिए, अभी मुझे बस क्लियर करके आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दैट. ऑनेस्टली मेरा जो स्टडी टेबल था उसके नीचे, सो देयर इज अ स्विमिंग पूल नीचे सोसाइटी में, आई यूज टू सिट ऑन द स्टडी टेबल एंड आई यूज टू सी पीपल स्विमिंग एंड आई डोंट नो हाउ टू स्विम. सो देन आई वॉज लाइक मेरा एग्जाम हो जाए बस, मुझे स्विमिंग सीखना है, दैट वॉज माई मोटिवेशन. सो यू नीड टू थोड़ा ट्रेन योर माइंड दैट वे कि कुछ करना है लाइफ में. या राइट, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था. तो ये थॉट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ करना है माइंड में. तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डीप रूटेड थॉट होना ज़रूरी है कि कुछ करना है, और उसी से आपके पास वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बनेगी ताकि अपने गोल की तरफ काम करें. अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अब वो सीए वाला गोल अचीव हो गया, आप आगे क्या सोच रही हो? सो अभी आई नीड, सो जब ही सीए का एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ था, वी हैड 2 मंथ्स, पूरा जून, पूरा जुलाई, आधा जुलाई टू थिंक ऑन वट आई वॉन्ट टू डू. सो इनिशियली आई वॉज ऑफ द थॉट कि मे बी आई शुडेंट वर्क लाइक कॉर्पोरेट लाइफ मुझे नहीं करना है, एंड आई काइंड ऑफ एक्सप्लोर्ड अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. फॉर मी फूड इज वॉट आई वॉन्ट टू डू इन द लॉन्ग रन, बट आई काइंड ऑफ स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. आई कोल्ड ईमेल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, बट द ईजिएस्ट वे आउट इज टू गेट अ डिग्री इन कलनरी आर्ट्स लाइक एनी अदर कोर्स, एंड मुझे अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे वो डिग्री चाहिए. बट देन
when I started introspecting more, I was like, I am not too sure right now of what I want to do. So I was looking at a very generic profile. I was like, I am too naive to start my own, not naive, but I don't want to start my own thing now because I need more clarity in terms of entrepreneurship, in terms of building something out of it. So yeah, so then I was looking a profile in strategy. स्ट्रैटेजी में मुझे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव प्रोफाइल्स नहीं मिले. ऑनेस्टली मैं ICI प्लेसमेंट के बारे में भी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी टू अवॉइड कॉन्ट्रोवर्सी, बट देर आर नॉट अ लॉट ऑफ गुड प्रोफाइल्स स्पेशली इन स्ट्रैटेजी. और ICI प्लेसमेंट में एनी वे काफ़ी कुछ होता है, पीपल डोंट गेट मेल्स, पीपल डोंट गेट रिप्लाइज, विच इज़ आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट. बट वहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मिला. कोल्ड ईमेल किया काफ़ी लोगों को. आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ फ्यू प्रोफाइल्स विच वर मैक्रो जेनेरिक प्रोफाइल्स, बिकॉज मुझे स्ट्रैटेजी में काम करके ये समझ आ गया था कि this is the best kind of work that I want to do, and it was interesting to me. So and then management consulting happened, BCG Bain shortlist happened. So then I was like, theek hai. So abhi my goal is to work for thoda time, get thoda experience. Probably I also think networking ke through, maybe if I get in connect, like in connection with someone who is maybe thinking of the same thing, then we might start something. I'm just going with the flow now. Right. So yeah, I want to work and see what happens. But ultimately food is my goal. Like food or an amalgamation of reading and food is what I want to do. Wow. So I am expecting some good kind of cafe जिसमें बहुत सारे books होंगी और बहुत बढ़िया बढ़िया food मिला करेगा, right? Yes, yes, that's the goal. चलिए ग्रेट. अब मुझे आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं. BCG के इंटरव्यू पे आते हैं. आई थिंक फॉर्म आपको मिला, फॉर्म में आपने बताया कि आपने होलिस्टिक रिज्यूमे जो आपसे वो चीज़ें मांगी गई थी वो आपने उनको दी. उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, क्या स्टेप्स रहते हैं? हाँ, सो आपको जब ये शॉर्टलिस्ट आएगा उसके बाद आपके पास एक महीना होता है. एक महीने के बीच में यू गेट अ बडी. सो वो बडी प्रोग्राम चलता है 30 डेज. बडी इज बेसिकली अ पर्सन हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन द कंपनी. सो बडी के साथ आपको केसेस सॉल्व करने होते हैं. सो ऑल दीज कंसल्टिंग कंपनीज दे हैव अ केस इंटरव्यू. केस इंटरव्यू में बेसिकली आपको एक केस स्टेटमेंट दिया जाता है. देर आर सर्टेन फ्रेमवर्क्स, तो उस फ्रेमवर्क के बेसिस पे आपको केस सॉल्व करना होता है. बट ऑब्वियसली ये काफ़ी नया चीज़ है फॉर एनी वन, इवन फॉर एन MBA के पास थोड़ा एडवांटेज होता है, बिकॉज आई हैव नोन केसेज जहाँ पे लोग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं सिर्फ केस प्रिपेयर करना, क्योंकि उनको पता है उनको BCG मैकेंजी मेन में जाना है. हमारे लिए वी ओनली गेट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो केस इंटरव्यूज के लिए द कंपनी इटसेल्फ विल गिव यू रिसोर्सेज. देर आर बुक्स बाय IIMs, देर आर बुक्स बाय ISB, देर इज अ बुक बाय SRCC, देर आर वीडियोज बाय विक्टर चेंग, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं. उनका PDF आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा. वो सारे रिसोर्सेज के थ्रू यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. केसेस में क्या रहता है, द बेस्ट वे इज़ टू प्रैक्टिस इट विथ योर कलीग्स और पीपल हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड. हमको बडीज के साथ हम लोग वीकेंड पे एक दो केस सॉल्व करते थे, और जितने भी लोग का शॉर्टलिस्ट हुआ था, आई हैड सम फ्रेंड्स इन द शॉर्टलिस्ट, तो हम लोग का एक ग्रुप बना के वी यूज टू डिस्कस केसेस आवर्स एट स्ट्रेच. तो केसेज में समवन हैज़ टू बी द इंटरव्यूअर, अदर वन हैज़ टू बी द इंटरव्यू, एंड यू हैव टू, इट इज़ अ कॉन्वर्जेशन बेस्ड केस. सो केस कुछ भी हो सकता है. बेसिकली प्राइसिंग केसेस होते हैं, M&A होता है, कॉस्टिंग केसेस होते हैं, प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी केसेस होते हैं. तो जैसे प्रॉफिटेबिलिटी केस रहेगा कि आपके कंपनी का रेवेन्यू 2 साल से कम हो रहा है, फाइंड आउट व्हाई. देन यू हैव टू आस्क थोड़ा प्रीलिमिनरी क्वेश्चन. देर इज अगर प्रॉफिटेबिलिटी का केस है, देन यू कैन ब्रेक डाउन प्रॉफिटेबिलिटी इनटू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू में देर विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट. सो ऑल दीज केस फ्रेमवर्क्स आर टू चेक कि आप कितना स्ट्रक्चर कर सकते हो वो प्रॉब्लम को. सो इवन इफ यू डोंट अराइव एट द सोल्यूशन, दे वॉन्ट टू चेक हाउ यू कैन स्ट्रक्चर द प्रॉब्लम. सो दैट्स वॉट द होल केस थिंग इज. इंटरव्यू के दिन पे सो यूजअली 3 to 4 rounds होते हैं, बट उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. मेरा 3 round हुआ था. सो माई फर्स्ट केस वॉज यू आर अ बैंकिंग कंपनी एंड आपको अपना नंबर ऑफ डिसबर्समेंट्स इंक्रीज करना है, तो आप कैसे इंक्रीज करोगे? So basically, the interviewer wanted me to delve deep into the buy now pay later scheme. So they were specifically looking for that. So to start with a basic disbursement ka equation to coming down to a digital solution, ye mera pura case tha. That was my first case. My second case was you are an IT services company. Kitna samay lagta hai case mein, aapko kitna samay milta hai iske liye? 30 minutes mostly. 20-30 minutes. दूसरा मेरा केस था कि यू आर एन IT सर्विसेज कंपनी, और आपका उन्होंने बोला था कि आपका ग्रॉस मार्जिन इज समथिंग एंड योर ऑपरेटिंग मार्जिन इज समथिंग. देन ही आस्क्ड मी टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन हाउ टू रिड्यूस योर लेबर कॉस्ट. सो लेबर कॉस्ट में IT सर्विसेज में नंबर ऑफ टिकट्स होते हैं कि आपने कितना क्वेरीज रिजॉल्व किया.
सो बेसिकली वो केस का डीप 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 जब आप लेयर्स में जाओगे, उसका आंसर ये था कि आपका लेबर कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपका एम्प्लॉय एफिशिएंसी बहुत कम है. जो आपका कॉम्पिटिटर है वो एम्प्लॉयज़ को 3 महीना ट्रेन करता है और आप नहीं करते हो, इसकी वजह से आपका थोड़ा वेरिएशन है. दैट वाज माय सेकंड केस. बट टू स्टार्ट फ्रॉम लेबर कॉस्ट एंड अराइविंग एट अ सोल्यूशन लाइक दिस इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग ऑनेस्टली, क्योंकि वो टाइम पे यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट. दैट वाज माय सेकंड केस. माय थर्ड केस वाज विद अ पार्टनर एंड इट वाज इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर एंड यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन स्विगी, जोमैटो, नाइका, पेटीएम, इन शॉर्ट्स, देन हाउ विल यू गो अबाउट इट? So you have to structure the whole problem. One is looking at the financials, but that's just one part of it. Then you have to look at synergies also. You have to look at market share kya hai, jo bhi aapka projections hai wo kya hai. But you have to compartmentalize everything into brackets. So structuring is the major deal. Wahan pe, but I think I did well in that case only because I was reading. So there is this newsletter, like business journalism sort of a thing. It's called The Ken. Yes, मैंने सब्सक्राइब किया है उनको. बहुत बढ़िया वो स्टोरीज लिखते हैं. बहुत ही रिसर्च्ड आर्टिकल्स होते हैं, वेरी फैक्चुअल. सो आई हैड रेड अ आर्टिकल ऑन इंश्योरेंस और मैंने एग्जैक्टली वो आर्टिकल के बेसिस पे आई ट्राई टू सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वहाँ पे आपका, सो ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि आपका इंटरव्यू इज ऑल्सो अबाउट आपने आज तक क्या किया है. सो वो क्यूमुलेटिवली सब कुछ एक साथ कहीं कहीं पर छोटा छोटा कुछ पड़ा रहेगा और वो आपको काम आ जाएगा. तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहो. बिजनेस जर्नलिज्म अभी बहुत न्यूज लेटर्स है. देर इज द सिग्नल, देर इज द कैन, द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट, रीड ऑन, बहुत सारे न्यूज लेटर्स है, वो सब पढ़ सकते हो. सो डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ वॉट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट. राइट, क्या बात है. तो ये तीन जो आपके केस स्टडीज के राउंड हुए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास? इसके बाद सो एवरी राउंड इज एलिमिनेटिव. तो एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, उस पर सारे जो भी होते हैं इंटरव्यूज वो होते हैं उसमें. इफ़ यू गो टू द फर्स्ट राउंड के बाद वो आपको बोलेंगे कि यू आर ऑन. इफ यू आर नॉट गेटिंग अ मैसेज दैट मींस यू आर आउट. तो वी थैंक गॉड वो निकालते नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप से. हाँ, वो तो काफ़ी या तो 1000+ एप्लीकेशंस होंगे आराम से एट आवर वेन एवर दिस रिक्रूटमेंट हैपेंड. 60 पीपल गॉट अ शॉर्ट लिस्ट इनिशियली. तो 60 पीपल प्रिपेयर्ड फॉर द केस इंटरव्यूज. ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू लास्ट में दे सेलेक्टेड 18 पीपल. सो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस फ्रॉम दोज 1000 एप्लीकेशंस टू गेट सेलेक्टेड. सो या इफ यू क्लियर ऑल द 3 इंटरव्यूज देन ऑल्सो देर माइट बी अ चांस दैट यू विल नॉट बी सेलेक्टेड. हमारे टाइम में हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग. इट वेंट ऑन टिल 10:30 इन द नाइट. तो राउंड्स चलते रहते. फिर उसके बाद दे वर लाइक वी वॉन्ट टू टेक सम टाइम एंड थिंक इफ यू वॉन्ट everyone, like if you want to take everyone in. उसके बाद भी वो लोग ने थोड़े लोग को निकाला and then in the end 18 people were selected. So उसके बाद there's just an announcement call that you guys have been selected. और लोग कहते हैं CA का result का percentage काफी कम होता है. हाँ, ये तो honestly ये थोड़ा ज़्यादा scary है because CA के बाद once you are a student you know कैसे भी पढ़ के चलो पढ़ना है. बट वंस यू क्लियर एंड इवन देन इफ यू डोंट गेट गुड प्रोफाइल देन यू आर लाइक इतना टाइम लगाया, सारा मेहनत लगाया, देन ऑल्सो इफ सम लाइक थिंग्स आर नॉट हैपनिंग देन व्हाट्स द पॉइंट. राइट, सो मिलियन डॉलर क्वेश्चन आने वाला है. जैसा मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में पूछा था, आई नीड अ बॉल पार्क फिगर के BCG, बेन और मैकेंजी ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं फ्रेशली क्वालिफाइड सी एस को. सी ये मुझे पूछना पड़ेगा, इसके बिना ना समझ में वीडियो पे लोग नहीं आएंगे. तो क्या पैकेजेस मिलते हैं भूमिका? आई विल गिव यू अ रेंज. इट्स बिटवीन 18 to 23. वाओ, यस, दैट्स अमेजिंग. और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जिसमें जाना लोगों का ड्रीम होता है. यस, उन लोग का ये भी बहुत अच्छा है. दे हैव अ ऑफशोर प्रोग्राम ऑल्सो. सो आफ्टर 18 months इफ यू परफॉर्म वेल, देर इज अ नीड ऑफ सम एम्प्लॉय इन से एनी अदर कंट्री, देन दे विल ask you, like you will be given an opportunity to go offshore also. So this is also a very good opportunity to explore. So yeah. So इस बारे में घर वालों से कभी बात होती हो कि भूमिका क्या क्या कर रही है और you know कहाँ पहुँच गई है, वो को कैसा feel करते हैं, उनके क्या thoughts हैं इसके बारे में? They are तो very happy now. So honestly इतना detail में उनको भी नहीं पता है because parents को LinkedIn समझाना itself is a big deal. ठीक है, तो ऊपर से उनको पता है. दे फील वेरी हैप्पी नाउ. ऑब्वियसली दे हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ मी बिकॉज जो भी हुआ एंड एवरीथिंग. बट आई फील वेरी ग्रेटफुल टू देम बिकॉज मैंने बहुत सारे लोग को देखा है अपने स्कूल से या मेरे सिटी में. वो लोग को इफ दे हैड गॉटन द चांस एंड एक्सपोजर,
आई नो दे कैन डू मेरेकल्स, बट आई रियली रियली थैंक माई पेरेंट्स कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास करके मेरे को, दिल्ली वॉज द फर्स्ट स्टेप फॉर मी, देन बॉम्बे हैपेंड. इनिशियली दे वर थोड़ा हेसिडेंट कि अजमेर से बॉम्बे काफ़ी दूर है, डोंट गो ये वो, बट दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव एंड दे वॉन्ट, दे विल बी फाइन इफ आई गो probably outside India also. So my parents are very chill that way. But yeah, I've been very lucky in that sense. Right. अब मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं आपकी एक सबसे अच्छी हैबिट के बारे में, वो है रीडिंग, राइट? Yes. तो रीडिंग एंड कुकिंग आई थिंक बहुत क्लोज हैं आपके दिल के. तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, क्या बुक सजेस्ट करते हैं आप एक बिगनर को, सी ए स्टूडेंट्स के ऊपर भी आएंगे लेकिन एक बिगनर जो भी रीडिंग अपनी शुरू करना चाहता है या यू नो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड यार कुछ शुरू करूं लेकिन कभी कभी ना एक वो ब्लॉकेज बन जाता है कि बस कुछ मन ही नहीं कर रहा कुछ उठाने का, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप उसको? आई वुड सजेस्ट नॉट स्टार्टिंग विद बुक्स, प्रोबेबली स्टार्टिंग विद आर्टिकल्स, एसेज, न्यूज़लेटर्स. देयर इज अ सबस्टैक ऐप, सबस्टैक ऐप अभी iOS पे भी है, एंड्रॉइड पे भी अभी आ गया है, विच इज बेसिकली अ लॉन्ग फॉर्म एसे. वहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, सपोज एंड अ सेल्फ हेल्प वाला न्यूज़ लेटर, देयर विल बी पोएट्री वाला न्यूज़ लेटर. सो यू स्टार्ट विथ योर नीश. अभी ये सब न्यूज़ लेटर में क्या करना होता है, यू डू लिंक हॉपिंग. लिंक हॉपिंग इज बेसिकली जिस भी बंदे ने कुछ भी डाला रहेगा उसने उसका नीचे सोर्स डाला रहेगा. इफ़ यू लाइक दैट थिंग, गो टू द सोर्स एंड रीड द होल थिंग. सो दैट इज़ वॉट यू कैन डू. बट देर आर अदर लॉन्ग फॉर्म एसे राइटर्स ऑल्सो. देर इज़ वन राइटर कॉल्ड लॉरेंस यू, और उनका एक ब्लॉग है मोर टू दैट. मोर टू दैट में बेसिकली वो कैरिकेचर्स बना के सब कुछ समझाते हैं. मैंने पढ़ा उनका एक ब्लॉग और बहुत ही, मैं बोलूंगा वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. उन्होंने मनी के बारे में लिखा था और पढ़ता ही गया, दैट वाज अमेजिंग. हां जी प्लीज. हां, सो आई आल्सो रेकमेंड अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन माय न्यूज़लेटर. सो इफ समवन इज प्रोबेबली लुकिंग टू स्टार्ट, देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन माय न्यूज़लेटर, ऑन माय ब्लॉग, ऑन माय लिंक्डइन. तो वहाँ पे से बुक्स ले सकते हो. बट आई विल स्टिल से स्टार्ट विथ लॉन्ग फॉर्म एसेज. देर इज ऑल्सो वन मोर राइटर, हिज नेम इज डेविड परेल. वो सिर्फ लॉन्ग फॉर्म ऐसे लिखते हैं, तो यू कैन स्टार्ट विथ दैट. देर इज पॉल ग्राहम, हु इज द फाउंडर ऑफ वाई कॉम्बिनेटर. उनका ब्लॉग इज आउटस्टैंडिंग, इज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव रेड. उनका एक आर्टिकल है एक्चुअली, इट्स कॉल्ड वाई नर्ड्स आर अनपॉपुलर. तो उसमें बेसिकली इट कम्स डाउन टू कि नर्ड्स को मे बी पॉपुलर होना ही नहीं है, बिकॉज पीपल हु लाइक रीडिंग उनको लगता है कि इफ आई गो इनटू यूट्यूब, इफ आई गो इनटू एडिटिंग, तो मेरा रीडिंग वाला टाइम उधर से चले जाएगा. विच इज व्हाट आई थिंक आल्सो, बिकॉज़ आई एम लाइक एवरीबॉडी इज लाइक यूट्यूब कर लो, एंड आई एम लाइक आई डोंट वांट टू डू इट, बिकॉज़ आई लाइक रीडिंग, आई लाइक डूइंग माय ओन थिंग. इफ पीपल लाइक इट एंड फील कनेक्टेड टू इट, इट्स फाइन, बट आई एम नॉट डूइंग इट फॉर नंबर्स और फॉर सब्सक्राइबर्स. सो या दैट्स अ वेरी गुड ब्लॉग. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉल ग्राहम ने अपनी वेबसाइट बिल्कुल एकदम बेसिक सी वेबसाइट बना के जो है वो रखी हुई है, पुराना वाला होता है वैसा. राइट. और हम यहाँ दुनिया पागल हो जा रही है डिजाइन के पीछे. और इवन बर्कशायर हैथवे की अगर आप वेबसाइट देखेंगे जो वॉरेन बफे की कंपनी है, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंगल पेज वेबसाइट, कुछ लिंक्स दे दिए, दैट्स इट. ओके ग्रेट. तो स्टार्ट रीडिंग गुड आर्टिकल्स, राइट? अच्छा, इसके बारे में क्या कहना है, सेल्फ हेल्प ये जो जॉनर है कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी है, यू नो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें भी पढ़ती हो भूमिका या नहीं पढ़ती? पढ़ती हूँ. सो आई स्टार्टेड विद सेल्फ हेल्प, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने ऑलमोस्ट सारा जितना भी मेजर सेल्फ हेल्प वाला चंक है मैंने सब पढ़ा है. वन सेल्फ हेल्प बुक जो मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था, इट्स कॉल्ड कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस. इट्स माय फेवरेट सेल्फ हेल्प बुक. आई थिंक जो भी पुराने मोटिवेटर्स है फ्रॉम द 90s से, टोनी रॉबिन्स, डेविड गॉगिंस, ये सबका, देयर इज समथिंग अबाउट दीज पीपल. इनका जैसे वो बोलना स्टार्ट करेंगे, एक तो देयर वॉइस इज सो स्ट्रांग, you will feel that energy within you. So I really like watching all these people. I follow them on Instagram also. But mereko aisa lagta hai abhi jitne bhi self help books aa rahe hain market mein, they are a lot of paraphrasing. So everybody is saying almost the same thing. And if you know the basics, if you know your first principles, I don't think you need to read a lot of self help. I will still say ki ek insaan ko pakad ke rakho, maybe aapko, maybe aur kisi teacher ko, ki jisse aapko lagta hai ki bro, this person gives me energy. So for me, all this while, Bhag Milka Bhag ka rock version is my go-to song. So mereko jab bhi low lagta hai life mein, I listen to that song. So ek kisi cheez ko pakad ke rakho for self-help. But honestly, I have learned a lot about life from reading non-self-help books. There is a fictional book called The Hitchhiker's Guide to Galaxy, which was recommended by Yuval Noah Harari in one of the podcasts that I heard. Which is basically about a person, और उसमें बेसिकली अर्थ का इन्वेजन हो जाता है बाय एलियंस. सो इट्स बेसिकली अ स्टोरी अराउंड दैट. अभी मैंने उसके सारे पार्ट्स पढ़े नहीं हैं, बट आई थिंक
fiction gives you the creativity to breathe. So I think fiction helped me a lot in terms of understanding things. Then there are bahut bahut sare alag alag genres. So there is one genre that I really like to read. It's called dystopian fiction. Dystopian is basically a kind of setting where the government rules the whole thing. So it's kind of a dictatorship, but wo government rule may be Bible ke basis pe hoga ya fir military rule hoga, kuch bhi hoga. Isme there is one OG book. It's called 1984 by George Orwell. And there's a very basic book also. It's called Animal Farm by George Orwell. George Orwell actually was a person from Bihar. And the Animal Farm actually should be a book jo school ke bachcho ko padhaya jana chahiye. It's about how government notices everything that you do. So it's basically about data privacy. Not data privacy, but exactly in that sense. Ki everyone is watching everything else. So dystopian is one genre that I really like because it kind of takes you to that level jo abhi ho raha hai, but wo bahut like 1900s mein wo book likha gaya hai, so wo cheez jo tabhi likhi gayi thi aur abhi tak apply ho rahi hai, it means a lot. So I loved reading dystopian. Uske alawa there is one book called Factfulness. Factfulness mein basically there is a questionnaire in the beginning. It's written by a writer called named Hans Rosling. बेसिकली इट्स अबाउट अगर आपको लगता है कि पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा आफ्टर अ वाइल अर्थ विल नॉट बी एबल टू टेक ऑन सो मेनी पीपल, इतना सो पॉपुलेशन का ग्राफ ऐसे जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है देन यू आर रॉन्ग, इट विल प्लैट्यू एट सम लेवल. सो इट्स अबाउट ब्रेकिंग ऑल दोज मिथ्स. उसमें 10 चैप्टर्स है, एक एक मिथ्स को उसमें ब्रेक किया गया है. इट बेसिकली टेल्स यू टू थिंक अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम फैक्ट्स एंड फ्रॉम नंबर्स, विच इज़ वॉट आई लर्नड इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ऑल्सो. सो द हेड इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, I think he's the best manager slash leader I've ever been interacted with. I think वो हम लोग का legit ऐसा personal one-to-one sessions लेते थे where you used to tell us कि आप ये गलत कर रहे हो, कहाँ पे improve कर सकते हो. Every session. ये आप ABG की बात बता रहे हैं. Yes, ABG. वहाँ पे वो हमसे feedback लेते थे, हर चीज़ का feedback. So best leader I've worked with, and he used to tell us that numbers tell a narrative. So वहाँ पे बिकॉज इन ABG कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में जैसे हम कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, देन वी लुक एट मार्केट साइज, सो वी लुक एट अ ग्राफ ऑफ ये प्रोजेक्शन कितना बढ़ने वाला है. सो यूज टू टेल अस कि अगर ये फिगर ऐसा जा रहा है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट सोशल फैक्टर्स, कल्चर फैक्टर्स, कि क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है. अदरवाइज नंबर्स आर जस्ट नंबर्स इफ यू डोंट थिंक दैम फ्रॉम अ स्टोरी परस्पेक्टिव. सो या दीज आर सम बुक्स दैट एवरी वन शुड रीड. ग्रेट. पॉडकास्ट पे आते हैं, तो कौन से पॉडकास्ट सुनते हो ये बताओ मुझे पहले. मैं बता दूं अपना आजकल जो मैं सुन रहा हूँ, ह्यूबरमैन लैब करके एक पॉडकास्ट है, एंड आई थिंक दैट पर्सन इज अमेजिंग. वो दो दो घंटे के पॉडकास्ट डालते हैं और क्या अमेजिंग नॉलेज मिलती है. तो जो भी अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फोकस और इन सब चीज़ों पर काम करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी पर काम करना चाहते हैं, प्लीज़ ह्यूबरमैन लैब को एक बार सुनिए. हाँ जी, आप बताइए भूमिका. So one of the podcasts that I really like this year, it's called Lifespan by David Sinclair. Lifespan mein basically wo ye batate hai ki he talks about all the biological stuff also. It's basically increasing your longevity of life. So how you can live more. But by living more, he will give you the science behind it. It's explained very lucidly. It's based on a book which is also called Lifespan. So Spotify pe you will find the podcast. So Lifespan by David Sinclair is a great podcast. Then I also listen to Tim Ferriss. Tim Ferriss ke podcast mein bahut bahut sunti hu kyunki running karte hue I love listening to podcast. So uske maine bahut hi sare interviews sune. He has a summary book of those interviews. Tools of Titans. Yeah. So that is also one book that everyone should read. Mere ko aisa lagta hai ki once you find the resources that you should refer for reading. Abhi because I have seen a lot of website, I know the kind of website I need to go to and read. तो ये सारे पर्सनैलिटीज को एक बार आप जान जाओगे. ह्यूबरमैन, मारिया पापोवा, टिम फेरिस, डेविड परेल, ये सब एक बार अगर आप लोगों को जान जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वो लोग क्या पढ़ते हैं, तो आप भी वो सब कुछ पढ़ सकते हो. सो या दैट देर इज अ डीप डाइव पॉडकास्ट बाय अली अब्दाल विच इज ऑल्सो गुड. सो मे बी दैट द कैन ऑल्सो हैव स्टार्टेड विद देयर ओन पॉडकास्ट. फर्स्ट प्रिंसिपल्स. यस, फर्स्ट प्रिंसिपल्स. सो दैट्स देयर. मेरे पास बहुत ज़्यादा लिस्ट है एक्चुअली पॉडकास्ट का. सो या आई विल प्रॉब्ली मेंशन इट इन द कमेंट्स आल्सो. आई विल मेक अ पॉडकास्ट आर्काइव. आई विल शेयर इट इन द कमेंट्स. द केन का फर्स्ट प्रिंसिपल का मैं एक एपिसोड जरूर रिकमेंड करना चाहूँगा. नितिन कामत के साथ है वो, जो जीरोधा के फाउंडर हैं.
ओ माय गॉड, मतलब मुझे पता कहाँ ये चीजें छुपी हुई हैं, ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक मिनी MBA, मिनी यू नो एक डिग्री के डेफिनेटली. बराबर है अगर आप इस तरह के पॉडकास्ट सुनते हैं, और बहुत अमेजिंग चीजें सीखने को मिलती हैं। एंड मुझे अभी पॉडकास्ट सुनने का जो है वो जुनून चढ़ा है, कुछ समय पहले ही, 6-7 महीने पहले ही। एंड मैं बस मैं ऑल्दो मैं मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना, बट मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। अमेजिंग एक्सपीरियंस। और जैसे आपने बताया कि यू नो आप अभी जॉग पे जाते हैं और इतना कर रहे हैं, तो मैं भी अप्रॉक्सीमेटली मंथली 60 किलोमीटर्स कर लेता हूँ। आई एम नॉट रनिंग, आई एम जस्ट वॉकिंग बिकॉज ऑफ सर्टन इंजरीज इन माई नी। बट उस समय जो पॉडकास्ट में सुनता हूँ ना, वो ना समय का पता चलता है और इतना कुछ सीखने को मिलता है, और ऐसा लगता है कि सुबह सुबह 1 घंटे आपकी ऐसे एक व्यक्ति से मुलाकात हो गई जो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जानता है और आपको सिखा रहा है। अमेजिंग। डेफिनेटली. एक तो पॉडकास्ट में और रिकमेंड करूंगा, अगर भूमिका आपने नहीं सुने, हर्ष मारीवाला का अगर आप पॉडकास्ट सुने, उन्होंने रणवीर नहीं. अलवादिया के साथ भी किया है, और विशाल खंडेलवाल का एक शो चलता है, मिस्टर विशाल खंडेलवाल का द 1% शो। तो जो लोग फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको बताएं ये शेयर इन्वेस्ट कर लो, वो शेयर इन्वेस्ट कर लो, आपको एक अगेन एक आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे वहाँ पे ध्यान दिया जाता है इस तरह के पॉडकास्ट पे, तो वो ज़रूर ज़रूर सुने। एंड हर्ष मारीवाला इज़ दी आई थिंक मेरे को बोलना चाहिए फाउंडर ऑफ दी मरीको ग्रुप, जो हम पैराशूट ऑयल यूज़ करते हैं ना, तो उनके उनके एक दो मैंने इंटरव्यूज सुने हैं। एंड अमेजिंग, मतलब हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं कि हर्ष मारीवाला, निखिल कामत, नितिन कामत, हम इनसे जो है डायरेक्टली 1-to-1 जो है चीज़ें ऑलमोस्ट सीख पा रहे हैं। ग्रेट। तो पॉडकास्ट एंड रीडिंग, आई थिंक ये हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। न्यूज लेटर्स। यस। तो न्यूज लेटर्स, सबसे पहले तो अपने सबस्टैक का मुझे नाम बताओ, हमारे ऑडियंस को नाम बताओ, कैसे वो आपको रीच आउट कर सकते हो, किस लिए रीच आउट करें ये भी बता देना, नहीं तो लोग बाग सब्सक्राइब कर लेते उसके बाद बैठे रहते हैं। तो बिल्कुल नहीं, एकदम नीश ऑनेस्टली, बताएं। यस, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ वेरी नीश कम्युनिटी ऑफ रीडर्स ओनली. सो इवन इफ यू आर अ बिगनर, इट्स अ गुड थिंग. माय न्यूज़लेटर इज कॉल्ड 5 थिंग्स आई कंज्यूम्ड लास्ट वीक. सो आई विल गिव यू 5 रिकमेंडेशंस ऑन वॉट यू शुड रीड. एंड 5 रिकमेंडेशंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिकल्स और एसेज ही होंगे. देर आर बुक्स, देर आर एसेज, आर्टिकल्स, देर आर डॉक्यूमेंट्रीज, देर आर मूवीज, देर आर सॉन्ग्स. सो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स. नाउ आई एम ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स न्यूट्रिशन ऑल्सो. सो 5 थिंग्स के बाद आई डू अ प्रोडक्ट रिव्यू ऑल्सो ऑफ अ सर्टेन ब्रांड दैट आई एम यूजिंग, अ सस्टेनेबल ब्रांड दैट आई एम यूजिंग. सो आई डू दैट एज वेल. बट या, सो इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट विथ रीडिंग, डेफिनेटली फॉलो माई न्यूज लेटर. बट डोंट डू इट ओनली फॉर द सेक ऑफ सब्सक्राइबिंग, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में आएगा और जनरली मुझे पता चलता है कि किसने लिंक पे क्लिक किया है, किसने नहीं किया है, एंड आई नो द ओपन रेट ऑल्सो. सो आई डोंट वॉन्ट टू बिल्ड अ कम्युनिटी हु जस्ट सब्सक्राइब फॉर द सेक ऑफ इट. इफ यू जनरली लाइक रीडिंग अबाउट ऑलमोस्ट एवरी थिंग विच इज देयर ऑन द इंटरनेट, बट एवरी थिंग इज लाइक, मैं ऐसा 10 चीज़ पढ़ के 5 चीज़ रिकमेंड करती हूँ. सो दीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल स्टफ जो मुझे लगता है कि आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो और जो आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं. सो या, यू कैन सब्सक्राइब टू माई न्यूज लेटर ऑन सबस्टैक. राइट। एंड भूमिका, मैं चाहता हूँ आप अपने वो जो मुंबई में कुछ कुछ मीटअप्स करते रहते हैं बुक्स को लेकर, आज मैंने एक पोस्ट देखा था लिंक्डइन पे, उसके बारे में भी प्लीज बताइए। हाँ, सो वंस आई स्टार्टेड रीडिंग एंड राइटिंग दिस न्यूज लेटर, देन आई गॉट कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल जो बुक्स पढ़ते थे. सो माई फर्स्ट इवेंट, सो इसके लिए भी आई यूज जस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल्स. मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेले बहुत कुछ पढ़ रही हूँ, एंड लिंक्डइन इज़ वन प्लेटफॉर्म वेर यू कैन शेयर, बट इंटरेक्शन बहुत कम होता है. मैसेजेस पे इतने सारे मैसेज होते हैं, आई डोंट इवन रिप्लाई. सो जून में व्हेन माय एग्जाम्स गॉट ओवर, आई मेड अ डेक, मैंने प्रेजेंटेशन बनाया 15 स्लाइड्स का. देन आई वेंट टू पेटीएम इनसाइडर, बॉम्बे में थी मैं. सो देन आई वॉज लाइक, पेटीएम इनसाइडर पे जाके आई काइंड ऑफ स्क्रोल थ्रू 600 वेन्यूज विच आर देयर, कि कहाँ कहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं. बॉम्बे में काफ़ी कुछ होता है इवेंट्स में. सो वो 600 वेन्यूज़ देखा, फिर मैंने देखा कि ये सब वेन्यूज़ में से कौन से वेन्यू पे मैं करा सकती हूँ बुक क्लब. वो वेन्यू से बात किया, वी काइंड ऑफ अरेंज द होल थिंग. आई डिज़ाइन ऑल माई पोस्टर्स, ऑल माई क्रिएटिव्स. आई लर्न ऑल ऑफ दिस फ्रॉम कैनवा, फर्स्ट प्रिंसिपल्स अगेन. सो या, आई कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल ऐसे ही इंस्टाग्राम पे, कोल्ड ईमेलिंग, इंस्टाग्राम, टेक्स्ट, फ़ोन नंबर, एनी थिंग. वहाँ पे बुक क्लब में बेसिकली वी गिव अ प्री बुक रिव्यू. सो आई मीन, वी विल सेलेक्ट अ बुक. एक बुक में आई थिंक 15 दिन या फिर 20 दिन हम देते हैं लोगों को कि आप 15 या 20 दिन में वो बुक जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो. वी विल मीट एट अ सर्टेन प्लेस, वहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट द बुक, कैरेक्टर्स ऑफ द बुक, प्लॉट ऑफ द बुक, क्या आपने बुक से सीखा. बट इट्स नॉट यूजुअली जस्ट अबाउट द बुक, इट्स अबाउट द पीपल ऑल्सो. सो दे रेकमेंड वॉट दे रीड, वेन दे स्टार्टेड रीडिंग, अबाउट देयर रीडिंग जर्नीज. दैट्स वन काइंड ऑफ इवेंट. सो आई डिड दैट इन मुंबई इन जुलाई. आई डिड वन बुक स्वॉप इवेंट इन दिल्ली लास्ट मंथ.
उसमें बेसिकली यू कम विथ अ बुक, यू काइंड ऑफ पिच द बुक टू एवरीबडी एल्स कि आपको ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए, एंड देन बेस्ड ऑन अ सर्टेन टोकन नंबर दैट यू विल पिक, यू विल बी एबल टू एक्सचेंज द बुक विद द अदर पर्सन. सो दैट हैपेंड इन दिल्ली. वन मोर इवेंट इज हैपनिंग इन मुंबई दिस वीकेंड 21st. सो any reader which is interested in Mumbai you can don't know that whether this video be published till 21st or not, but yeah. you can follow Bhumika agar aap is tarah ke events mein interested hain to wo events jaise jaise hote rahenge wo aapko pata lagte rahenge. Right, yes, great. Bhumika matlab main to chahta hu ki hum aur baat kare agar aapke paas samay hai to, and main aapse jab bhi baat karta hu na mujhe lagta hai ki yaar हर स्टूडेंट आपसे कुछ ना कुछ सीख सकता है, नाउ प्रोफेशनल्स आपसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये सुनने में लोगों को हमेशा ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं यार इनकी लाइफ परफेक्ट थी. मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मुझे इस बात से ना बहुत, मैं अंदर से चिढ़ता हूँ इस बात से. ऐसा नहीं है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है. आपने अपने जो भी आपके पास दिक्कतें थी आपने उनको झेला है, उनके साथ आप आगे बढ़ी, और वही आई थिंक जो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच है ना कि आपके पास क्या है टू स्टार्ट विद, और आप उनके साथ कैसे आपने अपने आप को स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे चीज़ें मेरे ख्याल से बनती चली जाती हैं, वो आपने किया. डेफिनेटली. क्या मैसेज है उन बच्चों के लिए जो सीए कर रहे हैं और क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगे भूमिका? एक तो आई कांट इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट बी टू गो थ्रू. आई डेफिनेटली लाइक आई कांट डू इट ऑन माई ओन. मेरे को ऐसा लगता है कि कैसे करते हैं लोग मुझे नहीं पता, बट मैं ये बोलूँगी फाइंड योर मोटिवेशन. ऑनेस्टली इट विल साउंड वेरी फिलोसफिकल, बट देन गिव इट योर बेस्ट. फाइंड योर मोटिवेशन ऑन वाई यू आर डूइंग इट, आपका क्या रिवॉर्ड है इसके बाद, एंड डू अ थोड़ा लाइक लिव अ बैलेंस्ड लाइफ इज वॉट आई वुड से. इफ़ यू कीप फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग एंड इफ यू डोंट गेट इट, देन मेंटली काफ़ी एग्जॉशन होता है. बट इफ़ यू कीप अ थोड़ा बैलेंस्ड लाइफ दैट यू हैव अदर थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू एंड डू इट विद अ गुड मेंटल स्टेट, कर सकते हो. बट आई वुड नॉट अंडरमाइन की हार्डवर्क से बढ़कर ना कुछ था, ना कुछ है और ना कुछ होगा. तो वो एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा. यू कांट जस्ट विश अबाउट थिंग्स एंड थिंग्स विल हैपन, ऐसा कभी नहीं होगा. यू विल हैव टू पुट इन हार्डवर्क, यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट एंड नंबर ऑफ आवर्स. सो या डेफिनेटली राइट. और जो लोग सीए बन चुके हैं एंड दे आर फाइंडिंग इट, यू नो जैसे आपने बताया आईसीए कैंपस, अब तो बहुत चीज़ें खुल के आ रही है. मैं दिन रात देखता हूँ, कोई ना कोई पोस्ट आ ही जाता है कि ये हुआ वो हुआ, कंपनी शॉर्टलिस्ट किया, उसके बाद इंटरव्यूज नहीं लिए, या बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं हमारे सामने. तो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या आपकी तरफ से एक सजेशन है कि जॉब जो उनका जॉब फाइंडिंग प्रोसेस है उसमें क्या चेंज लाएं या कैसे वो अच्छी जॉब्स ढूंढ पाएं? सर पहले तो रेज्यूमे में बहुत ज़्यादा काम करना बनता है. मैंने बहुत सारे रेज्यूमेज रिव्यू किए. देर आर रेज्यूमेज जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज है. पीपल A lot of people describe their professional experience as if they are describing their job description. तो वो लिखेंगे audit होता है, audit में हम लोग ये verify करते हैं, but this is not what you have done. तो वहाँ पर काफ़ी change लाने का ज़रूरत है. Resume editing I think major skill which is required. Plus cold emailing works best is what I feel. Connections थोड़ा LinkedIn पर बनाना पड़ेगा. और personal brand मैं ये नहीं बोलूँगी लिंक्डइन पे जाके रोज़ पोस्ट करो. आई विल स्टिल से पोस्ट ओनली व्हेन यू फील यू हैव समथिंग वैल्यूएबल टू शेयर, बट यू शुड हैव अ डिसेंट नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन पुट ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल. तभी आपको लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, तभी आपको लोग रिप्लाई करेंगे. एंड अगेन आई विल से इवन फॉर मी, अगर मैंने 30 लोगों को मैसेज किया है उसमें से 5 या 6 लोग रिप्लाई करते हैं. सो कोल्ड ईमेलिंग इज़ डेफिनेटली थोड़ा एम्बेरसिंग, थोड़ा डिफिकल्ट, बट डेफिनेटली वर्क्स द बेस्ट. एंड इफ यू हैव अ पर्सनल कनेक्शन देन उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं. बट या यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली गेट इन टच विद पीपल एंड फाइंड आउट वट वर्क बेस्ट फॉर यू. राइट. जाते जाते कुछ और क्वेश्चन मेरे माइंड में पॉपअप हो रहे हैं. एक तो ये रोल ऑफ सोशल मीडिया, हम लिंक्डइन के बारे में हमने इतनी बात करी है कि लिंक्डइन पे आप पर्सनल ब्रांड कर सकते हो, आप यू नो आप जो भी पढ़ती हो उसको आप रिव्यू करके डालती हो वहाँ पे. इंस्टाग्राम है हमारे पास, ट्विटर है हमारे पास, राइट, टेलीग्राम है, और देर आर एन नंबर ऑफ एप्स. इसका क्या इसका इम्पैक्ट आप पे, कभी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर देखने को मिला, या बाकी लोग आप अपने जो दोस्तों से बातचीत करते हैं आपको लगता है उनके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको कैसे मिनिमाइज करें, आपने कैसे कंट्रोल कर रखा है, इसके बारे में एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा. इंस्टाग्राम आई डोंट यूज़ अ लॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं मेरे को पोस्ट करना होता है, मैं ऐप इंस्टॉल करती हूँ, पोस्ट डालती हूँ, स्टोरी डालती हूँ, अनइंस्टॉल कर देती हूँ. सो आई नेवर एवर हैव द इंस्टाग्राम ऐप ऑन माई फोन एवर. मेरे को मेंटली काफ़ी डिस्टर्बिंग लगता है. Because it's cheap dopamine, to be honest. It's just constantly clicking on things and seeing ki all log kya kar rahe hain, and then it gives you thoda FOMO on why you're not doing enough.
सो आई डोंट हैव इंस्टाग्राम एट ऑल. लिंक्डइन आई यूज फ्रॉम द ब्राउजर, बट लिंक्डइन पे आई ओनली यूज लिंक्डइन व्हेन आई हैव टू रिप्लाई टू सर्टेन पीपल और एल्स व्हेन आई हैव टू पोस्ट समथिंग. आई थिंक आई हैव अ वेरी वियर्ड रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया एंड हेंस आई एम नॉट मेकिंग माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ लॉट ऑफ शैम. आई डोंट नो वट हाउ एल्स टू पुट इट, लाइक मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल खुल के बोलो, जितना रूडली बोल सकते हो उतना रूडली बोलो भूमिका. मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट ऑनेस्टली. लाइक लिंक्डइन पे तो ऑनेस्टली व्हेन आई जॉइन, मैंने आपको जो बोला ईवाई पे, ईवाई वॉज द फर्स्ट थिंग वाई आई जॉइन लिंक्डइन, और उस टाइम इतना वैल्यूएबल कॉन्टेंट होता था. देयर वर ऑथर्स जो लोग अपना रिसर्च पेपर पूरा लिंक्डइन पे डाल देते थे. नाउ इट्स जस्ट पीपल पोस्ट एनी थिंग, बीस मतलब समबडी हु हैज जस्ट ग्रेजुएटेड, वो अपना जॉब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है 6 महीने का, बीएडसी फोटो लगा के, बीएडसी फोटो लगा के, है ना. आई एम लाइक ब्रो क्या तुमने 6 महीना तुमने दुनिया देखा नहीं अभी, कि 3 साल जब भी मैनेजर बोलेगा ना कि ये डेडलाइन अभी करना है, यू विल रियलाइज व्हाट इज एक्चुअली वर्किंग. बट या आई डोंट थिंक आई डोंट फील लाइक स्क्रोलिंग ओनली, सो उसके अलावा मैं सारे ऐप्स हटा के रखती हूँ. आई ओनली आई एम एडिक्टेड टू माई जी मेल एंड माई सबस्टैक टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैं पूरे टाइम अपना जी मेल स्क्रोल कर रही होती हूँ क्योंकि उसमें न्यूज़ लेटर आता है. तो आई रीड अ लॉट ऑफ मेल्स एंड आई रीड बुक्स, तो वो फिजिकल वर्सेज डिजिटल वाला चीज़, सो आई लाइक रीडिंग फिजिकल बुक्स. बट मेरे को मेंटली ये समझ आ गया कि आई हैव अ वेरी लव एंड हेट रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया, सो आई डोंट, आई ओनली वॉन्ट टू डू इट वेर आई हैव सम वैल्यू एडिशन टू अदर पीपल, और जहाँ पे मेरे को लगता है कि जेन्युइनली आई वॉन्ट टू डू समथिंग. और मेरे को ये भी लगता है कि देर इज दिस स्मॉल प्रिंसिपल दैट आई फॉलो, कि इफ समबडी मीट्स मी इन पर्सन एंड इफ समबडी सीज मी ऑन सोशल मीडिया, इट शुडंट बी टू पर्सनैलिटीज, शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट. सो वट एवर आई राइट और वट एवर वेन एवर आई गिवन इंटरव्यू, आई ट्राई टू बी एज कैंडिड एंड एज ट्रूथफुल as possible. तो मेरे को वो transparency maintain करना is very necessary. If I like cooking, I will tell you I like cooking, but I don't want to do fancy things only to show you ki I am fancy. So this is what I do, this is what I am in person, this is who I am. So that's what I want to maintain. Right, great. Food cooking channels kuch follow karti hu YouTube pe ya kahin pe? YouTube पे नहीं करती हूँ ऑनेस्टली. आई एम अ बिग नर्ड अबाउट मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, मैंने सब कुछ देखा है मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का. सो यूजुअली आई यूज अ लॉट ऑफ पिंटरेस्ट, तो पिंटरेस्ट पे आई फाइंड इंस्पिरेशन फॉर रेसिपीज, और फिर आई फॉलो सर्टेन शेफ्स ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स माई ओनली मोटिवेशन टू गो टू इंस्टाग्राम. वहाँ पे जो भी डिशेज रहता है सो आई ट्राई टू फॉलो दैम, बट आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द किचन ऑन माई सेल्फ. मैं 1-2 घंटा रोज स्पेंड करती हूँ इन द किचन व्हेन आई ट्राई टू कम अप विद रेसिपीज. सो एंड आई एम जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद दिस शेफ, तो मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा. वी आर वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, सो या आई लव दैट. वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जिसमें आपको लगता है कि आप थोड़ा सा वीक हो या वो उसमें थोड़ा सा पीछे हो, ऐसा कुछ है? टेक, आई एम वेरी टेक, और दूसरा एडमिन स्टफ. सो बाय एडमिन स्टफ आई मीन जो भी ऐसा फॉर्मेलिटी करना होता है ना, जिसमें डॉक्यूमेंट डालना होता है, कुछ भी करना होता है, इवन पैन, इवन ITR, आई गेट मेंटल एंग्जाइटी फ्रॉम इवन लिसनिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस. आई एम लाइक, आई हैव अ फ्रेंड जो मेरा सारा काम करता है, ही इज़ वेरी काइंड, ही डज एवरीथिंग फॉर मी. एंड टेक में मैं बहुत पीछे हूँ. आई फील डिजिटली मेरे को पसंद ही नहीं है मेरे आसपास कोई डिवाइस. आई डोंट वेयर अ वॉच और अ डिजिटल थिंग ओनली बिकॉज मेरे को चाहिए ही नहीं अपने आसपास कुछ भी डिजिटल. एंड आई डिजाइन माई वेबसाइट थैंक्स टू विक्स, क्योंकि उनका ग्राफिक इंटरफेस बहुत ईजी होता है बनाने के लिए, तो आई मेड माई ओन थिंग. बट उसके अलावा वेबसाइट में कुछ भी एडिट करना होता है तो मेंटल प्रेशर से ही मुझे काफ़ी एंग्जाइटी होता है. So yeah, I'm very behind in tech. So, अच्छा, investing के बारे में कैसे सोचते हो? Have you started investing or what? Yes, I did. I kind of did, but then my stipend was too low to invest. Honestly, living in Mumbai, but I definitely think once I properly start earning, I know where to invest. I definitely think that once you start investing, you will get the leverage. And I think अंकुर वारिको का ही कोई वीडियो है, एंड आई सीन अ लॉट ऑफ अदर वीडियोज ऑल्सो, जहाँ पे उन्होंने बताया कि देयर इज अ सर्टेन एक्सेल शीट एंड यू कैन लेजिट कैलकुलेट एट व्हाट एज यू कैन रिटायर एंड स्टिल लिव वेल ऑफ फ्रॉम योर सेविंग्स. आई डेफिनेटली बिलीव इन दैट. देयर इज ऑल्सो वन ब्लॉग, इट्स कॉल्ड मिस्टर मनी मुस्टैश, विच इज बेसिकली अबाउट पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग. ही गिव्स यू आइडियाज. सो आई थिंक ही रिटायर्ड एट द एज ऑफ 30-35 एंड ही वॉज डूइंग अ बेसिक जॉब, बट ही वॉज सेविंग अ लॉट एंड ही वॉज इन्वेस्टिंग रियली वेल. And he retired early. He's just living his life traveling now. So you should start investing as early as you can, definitely.
एंड डोंट डू इट एट द सेक ऑफ नॉट लिविंग योर लाइफ इज व्हाट आई वुड से. स्टाइपेंड के साथ इन्वेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट या एक ये नोशन जो अर्ली रिटायरमेंट का नोशन है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है, बहुत ज्यादा ना ओवर एग्जैजरेट कर दिया हमने इसको. तो व्हाट डू थिंक रिटायरमेंट इज, मतलब आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, इतने सारे आर्टिकल्स भी पढ़ते होंगे, डेफिनेटली इसके बारे में नॉलेज लेते होंगे, तो आपके पास जो इस डोमेन का नॉलेज है उसके हिसाब से क्या लगता है, व्हाट इज रिटायरिंग अर्ली? आई थिंक बहुत सारे लोगों का, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग जॉब्स ओनली टू अर्न मनी एंड ओनली टू सस्टेन. एंड आफ्टर अ पॉइंट इन एनी जॉब, कितना भी इंटरेस्टिंग हो, एक दो साल के बाद यू आर लाइक, आपका वो रोबोटिक मोड ऑन हो जाता है, एकदम ऑटो पायलट में आप जा रहे हो कि आप कर रहे हो बिकॉज यू नो हाउ टू डू इट. सो फॉर क्रिएटिव पीपल एंड पीपल हु आर, ऐसा होता है ना कि आपको कहीं पहुंचना है तो आपको एक जर्नी के थ्रू जाना पड़ेगा ओनली टू रीच दैट लेवल. सो समबडी हु हैज अ लॉन्ग टर्म गोल इन माइंड विच इज़ नॉट कॉर्पोरेट और एल्स मे बी डूइंग अ जॉब, उनके लिए आई थिंक अर्ली रिटायरमेंट इज द बेस्ट थिंग, इज वॉट आई फील फॉर माई सेल्फ एज वेल. कि आई वॉन्ट टू गिव दैट जेस्टेशन पीरियड फॉर मी, फॉर माई सेल्फ. और ऑनेस्टली आई थिंक थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना जरूरी है, इवन इफ सम लैक्स इफ यू स्टार्टिंग योर ओन थिंग, वो थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी इफ यू हैव दैट इन योर हेड, देन इट बिकम्स ईजियर टू क्रिएट थिंग्स. अभी इफ आई लिव द विद द एंग्जाइटी कि ब्रो आई डोंट हैव अ जॉब बट आई वॉन्ट टू बी अ क्रिएटर, आई डोंट थिंक आई कैन लिव विद दैट एंग्जाइटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ माई हेड मेरे को ये लगेगा कि पैसा तो है नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, एंड देन आई आई कीप हसलिंग, क्रिएटिव एनर्जी नहीं आता है. So I think वो financial security मेरे को एक cushion चाहिए. And once I am mature enough after 30, I've heard from people after 30 you are a different person altogether, is what I've heard. So I want to probably reach that age and explore की क्या होता है. Right, क्या बात है भूमिका. I hope BCG वाले video सुन के ये ना सोचें कि बहुत मजा आया, एज यूजुअल बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई होप हम हर साल एक इंटरव्यू आपके साथ करते रहेंगे और बहुत कुछ वो सीखते रहेंगे. Honestly, आपका काफी सपोर्ट रहा है ऑल दिस वाइल, एंड आई नो आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ लीड्स बिकॉज़ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आई सॉ योर इंटरव्यू विद नीरज सर एंड आई एम लाइक दिस इज स्टिल गोइंग ऑन, इट हैज बीन इयर्स नाउ, बट यू हैव बीन वेरी सपोर्टिव ऑल थ्रू आउट, एंड आई हैव वॉच्ड योर वीडियोज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाइनल्स, बिकॉज एट वन पॉइंट आई वाज लाइक थोड़ा मोटिवेशन चाहिए मुझे, एंड देन आप आते हो बोलते हो कि नहीं करना है, सो या इट्स बीन वेरी हेल्पफुल. But definitely keep doing all this, whatever you're doing. Thank you, Bhumika. Thank you very much.